So quantum numbers, we'll say that there are four quantum numbers. Four quantum numbers. As एक तो होता है principal quantum number, एक होता है principal quantum number, ठीक है, जिसको अपन n से denote करेंगे, ठीक है, एक होता है that is azimuthal या angular quantum number. या फिर इसको अपन एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, और इसको अपन एल से डिनोट करेंगे. एल वैसे मैंने आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एल के बारे में बताया था, तो उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन इधर मिल जाएगा अपन को भी सबशेल्स का क्यों वो वैल्यूज होते हैं. और एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर जिसको अपन एम से डिनोट करेंगे, और एक लास्ट जो है वो उसको अपन बोलते हैं स्पिन क्वांटम. तो स्पिन क्वांटम नंबर को अपन एस से डिनोट करते हैं. अब दीज आर द फोर क्वांटम नंबर्स. द क्वांटम नंबर्स, इनमें से जो ये क्वांटम नंबर्स है ना, एन एल एम, तीन क्वांटम नंबर्स जो है वो किसी फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं, उनके वैल्यूज जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को सॉल्व करके मिलता है. लेकिन एस जो है वो ऐसे ही हमने एक वैल्यू ले लिया इलेक्ट्रॉन को साइन करने के लिए, वो किसी फॉर्मूले से कैलकुलेशन नहीं होता. तो जो क्वांटम नंबर्स, मतलब फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन. So the quantum number n, l and m are derived from the Schrodinger equation. ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन. यहां पर n, l, m लिखा मैंने, और कहां पर सेकेंड वाला क्वांटम नंबर z क्या है वो? सी कहां पर है सर? सेकंड वाला इजेड आई, मतलब ऐसी में तो लिखा है, ऐसी मेटल क्वांटम नंबर सभी ठीक तो है, सब लिखा ना, बढ़िया तो लिखा हुआ है, ऐसी मेटल क्वांटम नंबर ना, ऐसे इजेड आई एम यू, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को. सो द क्वांटम नंबर दिस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन. फोर्थ क्वांटम नंबर जो होगा, आप लोग ना मतलब बीच में वो मत करना, मतलब अगर कैमरा ऐसे होता है तो मैं देख लेता हूँ उसको, आप चिंता मत करना उसकी, है ना, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्योंकि कैमरा मैं खुद ही ठीक कर दूंगा. अगर वो शुरू शुरू में एक दो बार होगा और अगर एक मिनट अपन रुक जाते हैं तो राइट, कैसे अपन को बताना है द क्वांटम नंबर्स. तो कैसे अपन को पता चलेगा कि भाई कैसे, मतलब किसी भी एटम में अगर अपन को इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है तो ये शेल बताएगा, ये सब शेल बताएगा, ये ऑर्बिटल बताएगा, और इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन बताएगा उस सब शेल में. सो लाइक दैट वी आर एबल टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन्स. अब अपन चेक कर सकते हैं, एक एक क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं अपन और बताते हैं कि भाई क्वांटम नंबर्स क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो विल से दैट अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, क्वांटम नंबर मुझे पता है, मतलब अगर मुझे वैल्यू ऑफ एन पता है तो विल से दैट इट्स वैल्यू सिग्निफाइज. अब ये क्या सिग्निफाई करेगा वो अपन को पढ़ना होता है कि भाई अगर मुझे पहले से उस इक्वेशन से अपन को मिल जाएगा क्या, इनके वैल्यूज मिल जाएंगे, तो अपन कहेंगे बताओ किसका वैल्यू क्या सिग्निफाई करेगा ये बताना है आपको. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इट्स वैल्यू सिग्निफाइज, वैल्यू सिग्निफाइज अगर मुझे उस इक्वेशन को सॉल्व करके एन का वैल्यू पता चल गया, सिग्निफाइज द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है. दस वी कैन कैलकुलेट अगर मुझे ये पता चल जाए सॉल्व करके कि एन का वैल्यू क्या है. तो अब तक तो अपन यही पढ़ते हैं कि एन मींस नंबर फॉर द शेल,
अगर मुझे सम नंबर फॉर द शेल पता चल जाएगा कि किस शेल की बात कर रहे हो, तो देन वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द शेल, वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर द सेल, हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं उस शेल में, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं शेल का, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, और ये सभी के लिए अपन ने फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द शेल लाइक दैट ना, जिसमें भी हमने एन का वैल्यू यूज किया है वो सारे पैरामीटर्स अपन कैलकुलेट कर सकते। सो जिस मतलब जिस इक्वेशन में अपन ने एन का वैल्यू यूज किया है वो सारे के सारे इक्वेशन आप यहाँ पूछ सकते हो, मतलब कैलकुलेट करके अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस इक्वेशन से, और ये एन का वैल्यू हमें गिवन होगा, मतलब हमें कोई ऐसे फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, हमें पता रहेगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आता है एन का वैल्यू, और वो इक्वेशन का सोल्यूशन अपने सिलेबस में नहीं, इक्वेशन अपने सिलेबस में वो मैं बताऊंगा, शुरू करूंगा क्वांटम नंबर्स के बाद। तो ये सारे पैरामीटर्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, अगर आप मुझे एन का वैल्यू दे दो तो मैं एनर्जी ऑफ द शेल बता दूंगा, रेडियस बता दूंगा, वेलोसिटी बता दूंगा, एंगुलर मोमेंटम बता दूंगा, फ्रीक्वेंसी बता दूंगा, टाइम पीरियड बता दूंगा, वो सब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेकंड इज एजीमिथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम, उसको अपन आंसर। The value of L signifies the value of L signifies the subshell in which the electron is present. We know that all these shells are divided in the subshell, but we know that first shell में सिर्फ S होता है, second में S और P होते हैं, वो अपन पहले पता कर चुके हैं, राइट ना। तो अभी अपन को सबशेल, सो द वैल्यू ऑफ एल सिग्निफाइज द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो अब एक बात तो अपन को अच्छे से पता है कि भाई देखो सर, मतलब सबशेल्स में मुझे पता है, सबशेल्स जो होते हैं वो होते हैं एस पी डी एफ जी, लाइक दैट वी कैन राइट द सबशेल्स। जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अगर अपन नहीं चाहते हैं तो नहीं लिखेंगे, अगर चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कहीं एनसीईआरटी वगैरह में गिवन नहीं है, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं होंगे, बट इनके रिस्पेक्ट में उसका कंसेप्ट तो पूछ ही सकते हैं, अब वो एडवांस में पूछेंगे, मेंस में नहीं पूछेंगे। अगर अपन वैल्यू ऑफ एल की बात करें तो वैल्यू ऑफ एल जो होता है दैट इज, इसके लिए जीरो होता है, इसके लिए वन, इसके लिए टू, इसके लिए थ्री। तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ एल गिवन है, देखो अगर एन का वैल्यू है तो मुझे शेल पता चल जाएगा, वैल्यू ऑफ एल अगर गिवन है मुझे तो सब शेल पता चल जाएगा, और ये वैल्यूज इस इक्वेशन से आ गई। द वैल्यू ऑफ एल ऑफ द वैल्यू ऑफ एल ऑफ द सब शेल्स, जो भी सब शेल्स है ना उनका जो वैल्यू ऑफ एल होता है That depends on the shape of the orbitals. So the value of L of the subshell depends on the shape of orbitals. तो जो value of L होता है, जैसे ये value zero क्यों है, ये one क्यों है, ये two क्यों है, ये three क्यों है, तो इनके जो शेप होते हैं, मतलब जहां पर ये रीजन को बताते हैं कि वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इनके एक रीजन का शेप होता है। तो इनके रीजन के शेप कैसे होते हैं, तो वो अपन लिख लेते हैं भाई, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, सो दैट वी आर एबल टू टेल इसमें जीरो, इसमें वन, इसमें टू, इसमें थ्री क्यों है। सो अपन लिखेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर अपन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हमें ये जो ऑर्बिटल्स होंगे एस पी डी एफ, इनके शेप मतलब इनका जो रीजन होता है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा कि उस रीजन में वहां इलेक्ट्रॉन होगा, तो उनके एक पर्टिकुलर शेप होते हैं।
तो वो शेप जो होता है वी कैन राइट दैट एस ऑर्बिटल में ना, सो एस ऑर्बिटल हैज, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, स्फीयर जैसे होता है, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। ये स्फेरिकल भी होता है और सिमेट्रिकल भी होता है। अब स्फेरिकल का मतलब है, मेरे ख्याल से अपन सब में से कोई ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि स्फीयर होता क्या है। We all know that what is sphere. और symmetrical का मतलब बिल्कुल exactly वो symmetric होगा सभी तरफ से, जैसे football होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब है आप ये बता रहे हो कि जो s orbital होता है वो ऐसे football जैसे shape में होता है और वो बिल्कुल spherical और symmetrical होता है, उसमें कहीं कोई मतलब unsymmetry नहीं होती है। तो like that we will have spherical and symmetrical. तो इसमें ऑब्वियसली बात है अब एक्सेस भी होंगे क्योंकि दिस इज अ 3D डायग्राम, अगर 3D डायग्राम होगा तो एक्सेस भी होंगे। तो वी नो दैट, अगर मान लो इसमें अपन अज्यूम कर लें ये एक्स एक्सेस है और इसके लिए ये वाई एक्सेस अज्यूम कर लेते हैं अपन, तो ये जेड एक्सेस हो जाएगा। अब वी नो दैट जो एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं अगर अपन चेक करेंगे तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर आपने वाई एक्सेस ऐसे लिया हुआ है और x उससे परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ऑब्वियसली बात है जो z एक्सिस होता है वो ऐसे होगा बाहर की तरफ, मतलब ऑल दी थ्री एक्सिस आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो इसको अपन एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ, तो ये एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो ये y एक्सिस हो जाएगा। जो एक्सिस होंगे दे आर एग्जैक्टली राइट 90 डिग्री टू ईच अदर, वो सबके सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं जो भी एक्सिस होंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है इट इज स्फेरिकल इन शेप, और अगर हमसे कहा गया कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो इस स्फीयर के अंदर कहीं भी हो सकता है। द स्फीयर मींस वी कैन से दैट इट इज लाइक अ फुटबॉल, इतना बड़ा तो नहीं होता है क्योंकि बट बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस रीजन में कहीं भी हो सकता है। दैट इज हाउ वी गेट दैट कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारे के सारे जो स्टडीज थे वो सारे के सारे स्टडीज कंप्यूटराइज्ड है, मतलब हमको स्क्रीन पे दिखते हैं, कभी किसी ने देखा नहीं है, वो स्क्रीन पे ये शेप दिखता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रीजन है एस ऑर्बिटल में वो स्फेरिकल दिखता है, तो हमने कहा वो स्फेरिकल हो सकता है। तो इनके 3D डायग्राम मैं आपको भेज भी सकता हूँ कि भाई जो मतलब शेप है उनको एक बार आप एनिमेशन जैसे आप मुझे भेज दो तो वो देख लेते हैं, तो मैं एनिमेशन जैसे आपको देख दूँ, बट उसका शेप जो है वो स्फेरिकल है और सिमेट्रिकल है, मतलब बहुत छोटा होगा लेकिन फुटबॉल जैसे स्फेरिकल होता है और उसमें रीजन होता है, उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरा पर लिखेंगे p ऑर्बिटल के लिए। अगर अपन p ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो इट हैज डंबल शेप, डंबल शेप, and there are 3 p orbitals. p orbitals 3 होते हैं, अपन ने देखा था क्योंकि जब आपने यहाँ पर हंट्सविल पढ़ाया था तो आपने कहा था 3 बॉक्स बना लेते हैं अपन, p के 3 बॉक्स होंगे, d के 5 बॉक्स होंगे, because each box will have 2 electrons. so p orbital there are 3 p orbitals right ना, p ऑर्बिटल्स ऑफ पी अपन ऐसे लिखते हैं क्योंकि पी ऑर्बिटल तो है ही अपन को पता है। सो देयर आर 3 ऑर्बिटल्स ऑफ पी, ऑफ पी सबशेल, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और वो 3 ऑर्बिटल्स जो होंगे एक को अपन पी एक्स जैसे अज्यूम कर लेते हैं, एक पी वाई जैसे अज्यूम कर लेते हैं और एक अपन पी जेड जैसे अज्यूम कर लेते हैं। तो इस टाइप से अपन इसको पी एक्स पी वाई और पी जेड जैसे अज्यूम कर लेते हैं। अब अगर अपन चेक करेंगे p ऑर्बिटल में तो वी विल से दैट द p ऑर्बिटल इज, ठीक है एक मिनट, तो देखिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। अब px लिखने का मतलब है कि सर डंबल आप बनाओगे एट x एक्सिस, तो डंबल क्या होता है वैसे तो अपन को पता है, आप जिम में देखोगे तो वो ऐसे एक पाइप होता है और उधर ऐसा डंबल लगा होता है ना, ऐसा डंबल्स होता है, यू नो दैट ना, वो डंबल उठाने वाले ऐसे, बस वही उसी को डंबल शेप बोलते हैं। तो
अगर मान लेते हैं अपन कि भाई ये एक्स एक्सिस है, तो वो डंबल्स ऐसे बनाएंगे अपन कि भाई दिस विल बी द डंबल्स, वी कैन से, और ये एक्स अपन पहले ऐसे एक्सिस भी बना सकते हैं, उसके बाद उसे हटा देंगे, या हटाएंगे या नहीं हटाएंगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई अपन को ऐसे नहीं बोलने वाला कि नहीं नहीं आप उसको हटाओ मत ऐसे या कुछ ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अपन कहेंगे अगर मुझे पी एक्स बनाना है तो पी एक्स विल बी लाइक दिस। अपन जो डंबल बनाएंगे वो एक्स एक्सिस पे बनाएंगे ऐसे, और दोनों का शेप एक जैसा होगा, मतलब दे आर सिमेट्रिक, ऐसे नहीं होगा कि ये बड़ा है ये छोटा है ऐसे, दे बोथ आर सिमेट्रिक इन नेचर, वो दोनों ही सिमेट्रिक होंगे, दोनों के एरिया एक जैसे होते हैं, जैसे डंबल दिखता है, वी हैव सीन दैट। तो ऐसे बनाओगे तब भी चलेगा, और अगर आप इनको हटा देते हो तब भी चलेगा, जैसे मैं बना रहा था कि पहले ये ऐसे बना देता बाद में एक्सेस लिखता, एक ही बात है, हमें तो पता करना है कि भाई वो कैसे दिखते हैं। अब अगर अपन वाई एक्सेस को बनाएंगे तो इट विल बिकम पी वाई, अगर अपन वाई एक्सेस को बनाएंगे तो इट विल बिकम पी वाई, ये वाई एक्सेस मान लेते हैं, आप इसको वाई एक्सेस लिख लो, हम इसको पी वाई बोल देंगे, है ना, आप जिसको वाई एक्सेस लिखोगे हम उसको पी वाई को। सो ये हो गया अपने लिए पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ठीक है ना, ये अपन ने बनाया पी वाई क्योंकि इट इज ऑन द वाई एक्सेस, और px will be on the that is x axis, तो ये px हो गया, वो py हो गया, we can write it as, ठीक है। Next pz, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई आप pz axis बना दो, और they all are perpendicular to each other, मतलब मुझे pz अगर बनाना है तो ठीक है अपन क्या करेंगे, इसको z axis लिखते हैं भाई, z axis लिखोगे तो उस पर बनाओगे तो obviously बात है z axis लिखोगे तो आप pz ही होगा, तो इसको भी ऐसे बना देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा पी सेट, ये आपका पी सेट हो गया। तो सभी के शेप जो होंगे ना, थोड़ा सा शेप इसका छोटा दिख रहा है लेकिन सभी के शेप एक जैसे होते हैं, मतलब इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, वो बोर्ड पे आप कैसे भी बनाओ लेकिन अपन कहेंगे सभी के शेप बिल्कुल एक जैसे होंगे, वो डिफरेंस नहीं होगा। तो अपन कहेंगे ये आप वाई ले लो, ये एक्स ले लो, और ये जेड ले लो, तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, वो एक जैसे शेप होंगे। अब अपन कहेंगे ठीक है, इधर भी आप ऐसे बना सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको भी ऐसे कर सकते हो, करना है तो करो, वरना वैसे लाइन बना रहेगा तब भी गलत नहीं है, वो सही है, मैं तो बस वैसे ही समझाने के लिए आपको ऐसे करूंगा। ये जेड एक्सिस पर हो गया। अब अपन को एक बात पता है कि अगर ये ऐसे है तो वाई एक्सिस पे ऐसे होगा और जेड एक्सिस पे ऐसे होगा, क्योंकि ऑल दी थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर x ऐसे बनाया आपने तो y ऐसे बनेगा आपका, और z जो है वो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसे बनेगा, तो लाइक दैट दे आर। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, ये जो ऐसे बनाया हुआ है आपने डंबल ऐसे, इस डंबल में अपन क्या करेंगे, ये डंबल जो होते हैं इनको अपन कहते हैं, जो ये डंबल्स होते हैं इनको अपन कहते हैं लोब्स, इनको एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड लोब्स और ओरिएंटेशंस, इनको एक नाम देते हैं अपन कि दीज आर कॉल्ड लोब्स या ओरिएंटेशन। लोब्स वो जगह होती है क्योंकि यहां पर जो अपन ये रीजन दे रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होगा, तो लोब्स या ओरिएंटेशन वो जगह होती है जहां प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम जिस पोजिशन में, उसको अपन कहते हैं लोब्स। तो अपन उसको ना वर्ड्स में लिख देंगे कि भाई आप लोब्स या ओरिएंटेशन क्या बोल रहे हो, तो अपन लिख देते हैं यहां पर कि सर आपने कहा लोब्स या फिर ओरिएंटेशन, है ना सर, तो एस ऑर्बिटल का बस एक ही ओरिएंटेशन होता है ना, बस 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 बस, तो वो मैंने बता दिया आपको, उसका एक ही ऑर्बिटल होता है। तो अपन कहेंगे द प्रोबेबिलिटी द स्पेस, है ना, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वेयर the probability of finding the electron, वो region जहां probability of finding the electron is maximum, the electron is maximum। अब एक बार अपन क्या करते हैं कि भाई अपन ना एक बार इसको ना अच्छे से वो कर लेते हैं कि यार ये दिख कैसे रहे हैं, पहले ये बता दो सर, पता अपन कहेंगे डंबल से अच्छा अपन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, जैसे अपन ने आप जब बैलून में एयर फिल करते हो तो बैलून ऐसे फूल जाता है, बड़ा मतलब एक्सपैंड हो जाता है ना, व्हाट अपन ना बैलून अपन को कैसे दिखता है, ये उसका माउथ है, तो फिर बैलून अपन को ऐसे दिखता है,
वो उस टाइप का बैलून अज्यूम कर लो, एक बैलून होता है जो सर हमने तो स्फेरिकल देखा बैलून ऐसा, हमने बाकी कोई बैलून नहीं देखा, नहीं एक बैलून होता है जिसमें अपन हवा भरते हैं तो जहां हवा भरते हैं वहां छोटा होता है और फिर जैसे जैसे दूर जाता है तो बड़ा होता है। हाँ सर ऐसे भी बैलून देखे होगा, तो आप यही अज्यूम कर लो कि भाई ऐसे बैलून है, इधर बड़ा था इधर छोटा था, वो ऐसे बैलून जैसे दिखा है ना, तो ऐसे ना ऊपर में एक तरीके से दो बैलून लगा दिए ऐसा, इधर बैलून का माउथ है और ये ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना, तो इधर बैलून का माउथ होगा तो इस टाइप से अपने पास बैलून है। अब अपन क्या करेंगे, इस बैलून में ये जो बैलून का रीजन है ना उसको आप लोब्स या ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो अपन कहेंगे सर ये बताओ इसमें दो बैलून है तो दो लोब होंगे या मतलब एक ही लोब बोलना है उसको, पूरा एक लोब है या दो लोब्स है, तो अपन कहेंगे पी में ना दो लोब्स होते हैं, एक ये एक ये, पी में दो लोब्स होंगे एक ये और एक ये, सर पी हैज टू लोब्स, ठीक है, मतलब एक बैलून को एक लोब मानना है ये आपने बता दिया मुझे, ठीक है। अब अपन कहेंगे ठीक है, अब बैलून के अंदर मान लो किसी एक बैलून में अपन दो फ्लाइज को छोड़ते हैं, फ्लाइज क्या मतलब मक्खी को छोड़ते हैं, तो जो हालत उन दो मक्खियों की होगी वही हालत इलेक्ट्रॉन की होगी, तो अपन कहेंगे सर मक्खियां तो आपस में रेंडमली मूव करते रहेंगी, हाँ तो इलेक्ट्रॉन भी उस रीजन में रेंडमली मूव करता है और बिल्कुल वैसे ही होता है, दो फ्लाइज को छोड़ दिया अपन ने, अब दो फ्लाइज की जो हालत होगी ना एक बैलून में किसी भी एक लोब में रहेगा, या तो इधर रहेगा या फिर इधर रहेंगे, तो जो हालत उन इलेक्ट्रॉन्स की होती है बिल्कुल वैसी हालत जो फ्लाइज की होती है वैसी हालत इलेक्ट्रॉन की होती है, वो उससे बाहर तो जा नहीं सकता लेकिन उस रीजन में वो कहीं भी हो सकता है, वो होता है पी ऑर्बिटल। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो बन गए सर वो फुटबॉल अगर है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर उसमें दो फ्लाइज छोड़ दें तो बन गएंगे उसमें तो दो फ्लाइज का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सेंटर में होगा क्योंकि इधर जाएगा तो वॉल के पास तो वो टकराएगा उससे तो वापस सेंटर में आ जाएगा, तो अपन तो हमेशा यही कहेंगे कि यार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जना वो सेंटर में रहेगी, वो वॉल के पास जाएगा तो टकराएगा तो वो दूर ही रहेंगे वॉल से थोड़े, तो प्रोबेबिलिटी अपन उसी तरीके से बता सकते हैं कि सर ठीक है ये रीजन तो है लेकिन इस रीजन में भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे मतलब मान लेते हैं कि अपन घर में तो है लेकिन घर में भी हमारे मैक्सिमम टाइम हम कहां स्पेंड करते हैं, वो मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइप से अपन बताते हैं कि भाई देखो मतलब व्हाट विल बी हाउ द पी ऑर्बिटल और द रीजंस आर, अपन कहेंगे लेकिन सर यहां तो कभी भी इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी ये वाले पॉइंट पे, हाँ तो वहां नहीं होगी, और द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इज कॉल्ड नोडल सरफेस नोड, राइट, तो नोड्स वो रीजन होते हैं वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो अपन नोड्स लिख लेते हैं, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो, रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज of finding the electron is zero is almost zero, उनको अपन नोट्स करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये जो अपन बनाते हैं लोब्स वगैरह इनको अपन कहते हैं दे आर फॉर्म्ड, क्योंकि अपन वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे तो वो वेव्स में ऐसे फॉर्म होते हैं, वेव में जैसे अपन बनाएंगे ना कोई वेव बना कर दिखता है ऐसे मेरे पास एक वेव है, तो अगर मुझे वेवलेंथ बनाना है तो मैं ऐसे क्यों बनाऊंगा वेव को, तो ये वेव है ये क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रॉफ लाइक दैट वी कैन, तो इधर भी बना सकता हूं क्योंकि वो तो 3D स्ट्रक्चर है तो मैं वेव ऐसे भी बना सकता हूं, सो यहां भी ये ट्रॉफ क्रेस्ट ट्रॉफ लाइक दैट वी कैन स्टार्ट। अगर अपन इसमें इस वेव को कंप्लीट करते हैं, मान लो सर जरूरी थोड़ी ऐसे होगा, वो ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो वो ऐसे भी हो सकता है वेव मैकेनिकल मॉडल में, बिल्कुल हो सकता है, तो फिर मैं पी ऑर्बिटल इसको बोलूंगा फर्स्ट पी ऑर्बिटल नियर द न्यूक्लियस, सेकंड पी ऑर्बिटल नियर द न्यूक्लियस विल बी दिस रीजन,
थर्ड पी ऑर्बिटल नियर द दिस ऑन, ये तो वन ऑफ द एक्सेस को बता देगा, एक एक्सेस को, ऐसे बहुत सारे एक्सेस होते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला क्रेस्ट वाला पार्ट, उसमें पॉजिटिव लिखते हैं अपन, नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव लिखते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखोगे तो इसके लिए मतलब नीचे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, लाइक दैट बी राइट। लेकिन उसका वेव से कोई रिलेशन नहीं होता, दैट इज जस्ट अ वेव फंक्शन। अपन ये नहीं बता रहे कि वहां इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपन वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, एक तरफ प्लस लिखेंगे, एक तरफ माइनस लिखेंगे, आपकी मर्जी जिस तरफ प्लस लिखना चाहो माइनस लिखना चाहो, क्योंकि वो वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी प्लस और कहीं भी माइनस लिख सकते हो, दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक तरफ प्लस लिखना है एक तरफ माइनस, आप कहीं भी लिख सकते हो। और ये बिल्कुल अपन को ये नहीं बता रहा कि देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। सर ये प्लस माइनस वाला समझा नहीं सर, ये एक तरफ मतलब इसमें खाली जगह में एक तरफ प्लस लिखना है एक तरफ माइनस लिखना है, दैट इज एक तरफ प्लस लिखना होता है एक तरफ माइनस लिखना होता है। किसी में भी लिखोगे अगर पी ऑर्बिटल में, तो एक तरफ प्लस लिखोगे एक तरफ माइनस लिखोगे, एक तरफ प्लस लिखोगे एक तरफ माइनस लिखोगे, दैट्स ऑल। क्योंकि अपन अगर ज्यादा वेव फंक्शन में पढ़ते नहीं है, अपन ना दूर ही रहते हैं वेव फंक्शन से, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने सिलेबस में भी नहीं है। वो तो अगर तुमको समझ में आएगा तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं, दूर ही रहूंगा मैं उससे। जब सिलेबस में नहीं है तो चुप ही रहो, तो अंदर से कीड़ा काटते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो वो मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए मुझे ये सोचना पड़ता है कि क्या नहीं बताना है, चुप रहना है ना। तो कभी कभी लगता है यार देख, मतलब बच्चों को बता देना क्या फर्क पड़ता है, वे भी तो बनाना है, बनो ले भाई बन गया। तो इस वेव को बनाओगे तो एक तरफ प्लस लिखोगे एक तरफ माइनस लिखोगे, चलो हो गया। इलेक्ट्रॉन को वेव मान रहे तो, हाँ सर समझा, तो बना दिया अपन ने वेव में। तो वो कभी कभी ऐसे मतलब वो गलती मुझसे होती है, तुम लोगों से नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, उसको नहीं दिखाना था। अब अपन क्या करेंगे, ज्यादातर अपन सिलेबस पे ही स्टिक रहेंगे, उससे बाहर जाएंगे नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई मुझे पता चल गया अब इसमें क्या। तो अपन कहेंगे देखो सर एक बात है, अगर मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव हटा लेता हूँ, अब क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी होती तो मुझे एक एक पार्ट मतलब डिस्कस करना होता है, आप प्लस माइनस लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर एक बात है, अब ऐसा तो आपने कहा कि इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होगा, इधर भी बहुत कम होगा। अगर अपन कहें कि मैक्सिमम कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि अपन घर में रहते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम कहाँ अपना स्पेंड होता है, तो अपनी एक पर्टिकुलर जगह होती है, इलेक्ट्रॉन में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एक वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा वो अपन देख लेते हैं क्या होगा। अब अगर मान लो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भाई इसमें अपन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये बना दिया। अब उस एक्सेस में अपन क्या करते हैं कि एक ऐसे बना लेते हैं कि भाई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो अपन एक रीजन डिसाइड कर लेते हैं सर, इस रीजन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के होने की, जो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होगी ना वो मैक्सिमम इस रीजन में होगी। वो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं कि सर थोड़ा और उधर को कर लो ना, सर थोड़ा और उधर को कर लो क्या फर्क पड़ेगा, हाँ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की होने की होगी वो बिल्कुल ऐसे ही होगी कि भाई इधर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस रीजन में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब दिस इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उससे हमें क्या फायदा, आप जो बना रहे हो उससे हम क्या करें। तो अपन कहेंगे देखो हमें ये पता है कि अगर मैं px में और px ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करूंगा तो मुझे पी ऑर्बिटल्स में एक बार में एक ही ऑर्बिटल के अलावा एक ही एक्सिस के अलावा मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक ही थीटा के अलावा एक ही मतलब एक्सिस है जिसके अलावा मुझे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी। अगर मैं पीएक्स की बात कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस वाले ऑर्बिटल में ही ढूंढना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मैं पीवाई की बात कर रहा हूं तो मैं उधर ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ पीवाई पे ढूंढना पड़ेगा, और अगर मैं जेड की बात कर रहा हूं तो फिर पी जेड पे ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक बार में एक ही एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पड़ेगा। तो इन सब में जो थीटा होगा वो तो सब में एक जैसा होगा क्योंकि आपने कहा वो सिमेट्रिक है सारे के सारे, तो इसमें थीटा जो होगा एक बार में एक ही एक्सिस के अलावा अपन को इलेक्ट्रॉन ढूंढना पड़ता है, आइदर ऑन पी एक्स और ऑन पी वाई और ऑन पी जेड,
सो अपन को एक बार में एक ही एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है. सो इन पी ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन along one of the axis, right? Along one of the axis, one axis at a time. एक बार में अपन को एक ही एक्सिस के along find out करना है, either ये और ये या फिर ये. तो फिर इसका मतलब है, और थीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, अगर इसका थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया तो एक्सिस से along, एक्स एक्सिस के along होगा तो सिर्फ ये एक्स अपन को थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस के along. Y के along, Z के along, थीटा तो वही रहेगा, लेकिन मतलब अपन को रहेगा कि भाई अगर PX में इलेक्ट्रॉन है तो X एक्सिस, PY में इलेक्ट्रॉन है तो Y एक्सिस, PZ में इलेक्ट्रॉन है तो Z एक्सिस पे ही ढूंढेंगे बस. What about S? S में अपन एक्सिस बता ही नहीं सकते क्योंकि S में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो तो स्फेरिकल है. और अगर मैं आपको एक फुटबॉल दे दूं जो कि स्पीयर होता है और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस कौन से होंगे, तो तुम कहोगे सर आप जो मर्जी चाहे जिसको एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, आपकी मर्जी. तो कुछ तो होगा, तो अपन कहेंगे सर आप एक एक्सिस को फिक्स कर दो किसी, फिर उसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे मैं बाकी दोनों एक्सिस बता सकता हूं, वरना मैं ऐसे नहीं बता सकता कि कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है. इसमें तो बता सकता हूं क्योंकि ये तीन बने होंगे ऑर्बिटल और ये सिर्फ एक्सिस के अलोंग बने होंगे. लेकिन इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि ये वाला एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, कोई भी एक्स हो सकता है, कोई भी वाई हो सकता है, कोई भी जेड हो सकता है. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना कि एक्स वाई जेड जब अपन पढ़ते हैं तो जब भी अपन को कोई स्पीयर में मतलब फुटबॉल में अगर हमसे एक्स वाई जेड पूछेंगे तो उसमें हमेशा हम मतलब ऐसे करेंगे कि भाई जब तक आप एक एक्सिस नहीं बताओगे हम नहीं बता सकते. तो इसका मतलब है कि जब तक इसमें अपन को कोई एक एक्सिस फिक्स नहीं करूंगा तब तक मैं इसमें कोई थीटा का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट ऑन व्हाट एक्सिस द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, बट इसमें कर सकता हूं पी एक्स पी वाई पी जेड. So, इसमें सिंस वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट अलॉन्ग विच एक्सिस, वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट बिकॉज वो स्फेरिकल है ना, प्रेडिक्ट ऑन विच एक्सिस द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ऑन विच एक्सिस द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सो द वैल्यू ऑफ एंगुलर, सो द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर क्वांटम नंबर लिख लेते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर इज जीरो. इसके लिए जीरो क्यों आता है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप होता है. पी के लिए वन क्यों आता है, क्योंकि एट अ टाइम एक टाइम में अपन को एक ही एक्सिस के अलॉन्ग चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. तो फिर डी में टू एक्सिस के अलॉन्ग और एफ में थ्री एक्सिस के अलॉन्ग, जी में अगेन विल राइट दैट फोर एक्सिस के अलॉन्ग. तो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स आएंगे उनके शेप भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसके आगे अपन को वो कॉम्प्लिकेटेड शेप पढ़ने भी होते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ डी तक है, एफ वाला अपने सिलेबस में नहीं है, उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे. तो इसमें हमको एक बार में एक ही एक्सिस के अलॉन्ग ढूंढना होता है, मतलब या तो ये पी एक्स होगा या पी वाई होगा या पी जेड होगा, तो वो ऑर्बिटल के शेप की वजह से वो नंबर आता है. इसमें अपन ये नहीं बता सकते क्योंकि आपने लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, लेकिन एक स्पीयर में मैं कैसे बताऊं कि भाई कौन सा एस है, कौन सा पी एक्स है, कौन सा पी वाई है, कौन सा पी जेड है. इसमें तो कोई भी एक एक्सिस तो बना होगा ना, आपने एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल तो हो गया ना, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, आइदर इन एक्स एक्सिस या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में होगा, ये तो डायरेक्शनल लेस है. दैट्स व्हाई वी से दैट स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल, वो डंबल शेप, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, वो एक डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा और उस डायरेक्शन के अलॉन्ग अपन कैलकुलेट कर लेंगे एंगुलर. जैसे अपन ने पी का शेप लिखा, पी का जो डंबल शेप होता है बिल्कुल ऐसे ही एफ में
ऐसे ही पहले डी की बात करते हैं, डी में जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है। अब वो तो यहां से पता चल ही गया कि अगर एक डंबल के लिए आप वन लिखने वाले हो और फिर दो लिखा तो दो डंबल होंगे, ये ट्रिपल डंबल होगा, तो लाइक दैट वी आर गोइंग टू राइट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एटलीस्ट डी तक तो हमारे सिलेबस में है, हमें डी तो लिखना ही पड़ेगा, डी का शेप तो देखना ही पड़ेगा कैसे होंगे। बाकी एफ में अपन सिर्फ लिख सकते हैं कि उसके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन उनके शेप पढ़ने की जरूरत अपन को नहीं होगी। तो इसमें डायरेक्टली अपन से क्वेश्चन आएगा, मतलब इस टाइप से ऐसे प्लस माइनस लिख के पूछ लेंगे बताओ कौन सा करेक्ट है, या एक्सिस के अलावा बना देंगे और पूछ लेंगे बताओ ये कौन सा पीएक्स पीवाई पीजेड क्या होता है। ये डेफिनेशन याद रखनी होगी, और वैसे भी अपन से क्वेश्चन में कोई नहीं पूछने वाला व्हाई द वैल्यू ऑफ एल इज वन फॉर पी, अपन को क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा अगर L का वैल्यू 1 है तो कौन सा सम्पशन, ये पूछेंगे अपन से। तो why the value of L is 1 वो तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि P के लिए L का वैल्यू 1 क्यों होता है। क्वेश्चन यही होगा कि अगर L का वैल्यू 1 है तो बताओ कौन सा सम्पशन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि आप ना याद रख लो। तो अपन डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल में अपन लिखेंगे इट हैज डबल डंबल शेप, इट हैज डबल डंबल शेप, डबल शेप। पी और देर आर फाइव पी ऑर्बिटल्स, फाइव डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। और डी ऑर्बिटल्स में अब क्या होगा ना, अपन कहेंगे देखो सर एक्सेस तो तीन ही होते हैं एक्स वाई जेड, तो अगर तीन एक्सेस होते हैं तो आप तीन ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। अब ये पांच ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, तो अपन कहेंगे ऐसे कुछ करते हैं ना कि कुछ कुछ ऑर्बिटल्स को बिटवीन द एक्सेस बना देते हैं, किसी को एक्सेस के ऊपर बना देते हैं, क्योंकि हमें स्पेस तो असाइन करना ही होगा हर एक ऑर्बिटल का। और वैसे भी अपन को पता है कि डी ऑर्बिटल कब आता है, जब फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, सेकेंड शेल में एस और पी होते हैं, तो सेकेंड शेल का एरिया भी तो बड़ा होता है फर्स्ट शेल से, और थर्ड शेल का एरिया तो और भी बड़ा होगा। तो अपन कहेंगे थर्ड शेल में एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। अगर एरिया बड़ा होगा तो अपन थोड़ा थोड़ा ऐसा लिखेंगे, इधर एस के इलेक्ट्रॉन मान लो, इधर पी के इलेक्ट्रॉन मान लो, तो बाकी जगह डी के इलेक्ट्रॉन को दे दो। बट स्पेरिकल शेप में है, स्पेरिकल रीजन में, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब तो स्पीयर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन कि भाई अब तो 3D शेप होता है उसका। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई डी ऑर्बिटल इट हैज 5d ऑर्बिटल्स। तो 5d ऑर्बिटल जो होते हैं, तो एक तो लिख लेंगे अपन डी एक्स वाई, एक लिखेंगे अपन डी वाई जेड, एक डी जेड एक्स होता है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और एक डी जेड स्क्वायर होता है। तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं। अब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं सर आपने जो लिखा हुआ है मेरी मर्जी, मैं डी जेड स्क्वायर की जगह मैं तो डी वाई स्क्वायर लिखूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टीचर को सिर्फ ये आता है कि डी जेड स्क्वायर होता है, उसे डी वाई स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अपन अब जैसे एसपीडीएफ होता है, सर एसपीडीएफ ही क्यों लिख रहे हो आप, इसको एबीसीडी लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, ये तो और भी अच्छा सीक्वेंस है, वो पता नहीं वो सीक्वेंस भी नहीं है। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं वो ऐसे ही उन्होंने असाइन किए हैं, तो अपन उन नंबर्स को पढ़ेंगे, मतलब उसी फॉर्म में पढ़ेंगे जो उन्होंने असाइन किए हुए हैं, क्योंकि अपन अपनी तरफ से ऐसे नहीं करेंगे कि चलो कुछ और ले लेते हैं। तो हम इन्हीं रीजन को, इन्हीं को पढ़ लेते हैं कि ठीक है व्हाट आर दीज रीजंस, क्योंकि आपने असाइन, ऐसे फुटबॉल था, अब बड़ा सा फुटबॉल है, उसमें आपने डी एक्स वाई असाइन कर दिया, वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ऐसे असाइन कर लिया, ठीक है। तो उनके शेप पढ़ लेते हैं, अगर डी एक्स एक्स वाई बनाना है तो अपन ऐसे डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अपन लिखेंगे डी एक्स वाई बनाना है तो विल राइट दैट एक ऑर्बिटल बिटवीन एक्स वाई होगा और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया एक डंबल, दो डंबल, तीन डंबल, चार डंबल, तो डी एस फोर डंबल्स है ये लोब्स। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इन सभी के शेप साइज सब एक जैसे, मैंने यहां भी कहा था कि अगर मैं छोटा बड़ा बन भी जाए मुझसे तो भी आप ये अज्यूम करोगे कि इन सबके शेप साइज सब एक जैसे हैं,
सर ने वैसे बना दिया, ये डी एक्स वाई है। तो अपन कहेंगे ठीक है आप एक काम करो डी वाई जेड और बना दो, तो वाई जेड कैसे होगा ये बता दो, तो वाई जेड विल बी लाइक दिस। तो ये डी वाई जेड हो गया, डी वाई जेड का मतलब है वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब्स बना देते हैं, ऐसे वाई और जेड के बीच में लोब्स बनाने होते हैं तो बना देते। अब डी जेड एक्स है तो अपन कहेंगे जेड एक्स के बीच में बना दो आप, तो दैट इज बिटवीन द एक्सिस एंड, इसको जेड लिख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको, तो अपन कहेंगे ये बिटवीन द एक्सिस। तो ये तो पता चल गया कि डी एक्स वाई द लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, ये तो अपन को पता चल गया। अब आप ये बताओ कि ये बिटवीन द एक्सिस जैसे आपने डी एक्स वाई लिखा तो आपने बिटवीन एक्स और वाई लिख दिया, डी वाई जेड लिखा तो आपने बिटवीन वाई और जेड लिख दिया, और डी जेड एक्स लिखना है तो आपने जेड और एक्स के बीच में ऑर्बिटल्स में आपने लूज बना दिया। ठीक है चलो भाई ठीक है मान लेता हूं कि आपने ऐसे बना दिया, बट ये डी एक्स वाई है, वॉट अबाउट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? तो अगर अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो अब ये तो पक्का है कि अगर आपने डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स और वाई एक्सिस की बात करनी है अपन को, अगर आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख रहे हो तो इस केस में क्या होगा सर, डी एक्स जेड के नीचे आपने नीचे नहीं लिखा, ऑर्बिटल के नीचे में डी जेड एक्स नहीं लिखा है। अबे लिख दो ना, तो लिख दो ना, उसमें चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है अपन को भाई, लिख दो कि सर ने डी जेड एक्स लिखा है तो लिख दे भैया, है ना, तो बाद में लिख देते हैं, मतलब अभी जरूरी थोड़ी, अभी तो शेप बताओ आप फटाफट, बाकी हम लिख लेंगे अपने आप। आपने बिटवीन द एक्सेस ये लिखा ना, जेड और वाई था तो डी वाई जेड लिखा, एक्स और वाई था तो आपने एक्स डी एक्स वाई लिखा, और एक्स और जेड लिखा है मतलब डी जेड एक्स है। चल ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताओ सर कैसे बनाओ, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई एक्स और वाई एक्सेस हो गए ये तो पक्का है, और अपन को पता है ये, इसमें लिख देता हूं पहले है, तो ये अपन को पता है कि भाई इसमें x और y एक्सिस से ही रिलेटेड होगा जैसे ये था। तो अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होता है, द लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर बनाएंगे लाइन, बिल्कुल द लोब्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ये डिफरेंस होता है। तो अपन कहेंगे सर दोनों में अगर अपन डिफरेंस चेक करेंगे ना तो इट इज लाइक दिस, जैसे इधर ना डी एक्स वाई की बात कर रहा हूं मैं, इसकी डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, मतलब जिस प्लेन में ये दोनों प्रेजेंट है बोर्ड के प्लेन में, यहां एक लोब बनाया आपने उसी प्लेन में, यहां एक लोब बनाया आपने उसी प्लेन में, एक लोब आपने यहां बनाया उसी प्लेन में, और एक लोब आपने यहां बनाया उसी प्लेन में, इस टाइप से देखें। अरे dxy था, हाँ dxy की बात कर रहा हूँ, बिटवीन द एक्सिस, और अगर dx x square minus y square की बात करोगे तो इट इज ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, आप dxy में पूछ रहे थे इधर बिटवीन द एक्सिस, इधर आप ऑन द एक्सिस बोल रहे हैं, तो अगर मैं dx square minus y square बिटवीन द एक्सिस है ना, इसको अगर 45 डिग्री रोटेट कर दूं तो वो बन जाएगा भाई, अगर इसको अपन 45 डिग्री रोटेट कर दें तो वो बनेगा, ये इन दोनों के बीच में था ना एग्जैक्टली लोब, तो इसको 45 डिग्री रोटेट कर दो तो ये 45 डिग्री ऐसे रोटेट हो जाएंगे, तो ये ऐसे रोटेट करेंगे तो ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, और ये इस पे आ जाएगा, वो बन जाएगा, बिल्कुल, मतलब dxy और dx square minus y square में 45 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो ठीक है, दिस इज अलोंग द एक्सिस एंड दे आर बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, वी गॉट दैट कि भाई दिस इज अलोंग द एक्सिस एंड दोज आर बिटवीन द एक्सिस। तो अब इसमें भी जैसे अपन ने इसमें प्लस माइनस लिखे थे ना, इसमें भी लिखने होते हैं प्लस माइनस, और इसमें ये इट हैज फोर लोब्स, डी ऑर्बिटल हैज फोर लोब्स,
मतलब एक बैलून को एक लोब बोलते हैं अपन, यहाँ पर चार बैलून है तो फोर लोब्स हो गए। अब सर डी जेड स्क्वायर का बोलो सर, डी जेड स्क्वायर नहीं बनाया? हाँ बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीजे स्क्वायर भी बना दूंगा। अब इसमें जो प्लस माइनस लिखना होता है वो ऐसे लिखना होता है, अगर इधर प्लस लिखोगे तो इधर भी प्लस लिखोगे, तो फिर इन दोनों में माइनस लिखना पड़ेगा। देखो लिखने का तरीका अलग है, इसमें अपन ने एक तरफ प्लस लिखा था दूसरी तरफ माइनस लिखा था, और इसमें एक तरफ दोनों तरफ प्लस है दोनों, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बताओ डी में प्लस माइनस साइन किस में करेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अपन बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़े उसकी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बिल्कुल बेसिक्स पढ़ो। कोई सर ये प्लस माइनस साइन की क्या जरूरत है, आप फिर से प्लस माइनस साइन अपन को ये सिग्निफाई करेगा कि वो वेव, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये वेव मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे अपन ने बताया था ना अभी कि वो वेव के फॉर्म में बना रहे हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल। तो वो अपर पोर्शन को डिनोट करे या लोअर पार्ट को वेव का, जहां पॉजिटिव है उसको अपर पोर्शन हो गया, जहां नेगेटिव है लोअर पोर्शन हो गया। कहीं भी आप प्लस, अगर आपने ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा, ये लिखा तो गलत है, मतलब ऐसे ऑप्शंस बनेंगे डायरेक्ट। अगर किसी एक में आपने प्लस लिखा है तो उसके अपोजिट में भी प्लस होगा, जहां माइनस होगा उसके अपोजिट में भी माइनस होगा, डी में, बाकी आप लिख सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना। अब अपन जैसे आप बोल रहे कि भाई डीजेड स्क्वायर नहीं बना है, तो अपन भाई डीजेड स्क्वायर देख लेते हैं कैसे होता है। अभी अगर अपन डीजेड स्क्वायर की बात करेंगे तो डीजेड स्क्वायर विल बी लाइक दिस, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स या वाई दोनों में से कोई भी एक्सिस है। डीजेड स्क्वायर जब x square minus y square on the axis, तो dz square भी on the axis, तो ये एक तो अपन ऐसे बना ले dz में, वो लाइन ऐसे बनी रहेगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस समझाने के लिए वैसे करता हूं। तो dz square में जो रीजन होगा, dz square का ये शेप होता है, इसमें दो डंबल होंगे और एक परपेंडिकुलर सर्कुलर रीजन होता है, ऐसे परपेंडिकुलर एक सर्कुलर रीजन बनाएंगे अपन जो कि परपेंडिकुलर होगा उससे जेड एक्सिस से, ऐसे बना देंगे। तो ये यहां पर एक सर्कुलर ऑर्बिट जैसे बन जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू, तो दिस सर्कुलर राइट ना सर्कुलर रिंग परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, ये हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सैटर्न प्लैनेट होता है ना, सैटर्न होता है ना प्लैनेट, उसके अराउंड एक जो रॉक का लेयर होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी एक लेयर होगा। तो अपन ने क्या किया, यहां पर दो लोब्स हैं, यहां पर एक बैलून है, एक बैलून यहां पर जेड एक्सिस पे, और एक ऐसे सर्कुलर रीजन बना दिया ऐसे इसके अराउंड, ऐसे वो पूरा नहीं सर्कुलर रीजन है सर, विच इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। सो ये सर्कुलर रीजन होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन। इसका शेप बाकी सबसे डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने उसको बाद में बनाया। इन सबका शेप डबल डंबल है, लेकिन इसका शेप डबल डंबल नहीं होता है, हमें एक रीजन, क्योंकि देखो भाई बिटवीन एक्स वाई दे चुके आप, सभी एक्सिस के बिटवीन में आपने रीजन असाइन कर चुके हो, आप एक्सिस के ऊपर भी रीजन असाइन कर चुके हो एक्स और वाई पे, बचा क्या मेरे पास जेड एक्सिस जिस पे आपने अभी कोई रीजन असाइन नहीं किया, तो मैंने जेड एक्सिस भी ले लिया। अब लेकिन इसमें हमें दो रीजन बताने होते हैं, तो इसमें अपन ने एक रीजन बता दिया अलोंग द जेड एक्सिस, दूसरा रीजन हमने एक रिंग बना दिया, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि एक्स और वाई पे बना दो, वहां पहले से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बिटवीन एक्स वाई भी प्रेजेंट है, तो फिर इसका शेप डिफरेंट होता है, ये अपन को ध्यान रखना है, दिस इज डी जेड स्क्वायर। और इसमें अगर प्लस माइनस लिखेंगे तो जेड में ही प्लस लिखते हैं अपन और इसमें माइनस लिखते हैं, जो रिंग होता है उसमें अपन माइनस लिखेंगे और जेड में
प्लस लिखना होता है, जो ऑर्बिटल बने, जो बैलून बने होते हैं उनमें अपन को प्लस लिखना होता है हमेशा, मतलब डी जेड स्क्वायर विल बी डिफरेंट। तो अपन बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, उसे और कोई समझने की जरूरत नहीं है कि भाई बताओ डी में किसका शेप डिफरेंट होता है, डी जेड स्क्वायर किसमें दो ही लोब्स होते हैं डी जेड स्क्वायर। तो डायरेक्टली अपन से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, ऐसे कुछ नहीं पूछने वाले बताओ डी में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मतलब क्यों ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि जो अब मॉडल अपन डिस्कस करने वाले वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिक का मतलब है कि वो आज भी उस पर पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका लगा हुआ है पढ़ने में, उनको भी समझ में नहीं आता, तुमको भी थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा तो एमटेक में, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ाया जाता आईआईटी में। तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि सब कुछ रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा का सारा कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है, वो कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता। और जब तक कंप्यूटर स्क्रीन नहीं आया तब तक हम इसको सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे कि ऐसा होता है, हमने कभी देखा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब अपन बात करेंगे, ठीक है हमें पता चल गया कि मतलब ये dz स्क्वायर कैसे बताना है। क्वेश्चन अपन से ऐसे ही आएगा, रिंग आएगा इस टाइप से, अपन से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई वहां पर एक सर्कुलर रिंग होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस प्रेजेंट इन द xy प्लेन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अपन से पूछेंगे। ये डंबल शेप है तो इसमें दो डंबल हो गए इसलिए आपने डबल डंबल शेप लिखा, f ऑर्बिटल होता तो वो ट्रिपल डंबल हो जाएगा, अगर f ऑर्बिटल लिखेंगे तो अपन ट्रिपल डंबल लिखेंगे। अब अगर अपन f ऑर्बिटल की बात करें तो अपन कहते हैं दैट इज ट्रिपल डंबल, इट हैज ट्रिपल डंबल सर, और उसमें सात ओरिएंटेशंस होते हैं, बिल्कुल क्योंकि उसके सेवन ऑर्बिटल्स थे, देयर आर सेवन ऑर्बिटल्स। अब सेवन ऑर्बिटल होगा तो आप सोचो कि अब न्यूक्लियस के अराउंड एक्सेस तो तीन ही है लेकिन हमें क्या करना है, सेवन रीजन डिसाइड करना है। तो भाई एक्सेस तो तीन थे, सेवन रीजन कैसे डिसाइड करोगे, तो वो अपन को करना पड़ेगा, अपन क्या कर सकते बताना पड़ेगा अपन। तो अपन सेवन रीजन डिसाइड कर लेंगे और मुझे लगता है इन ऑर्बिटल की भी अपन को जरूरत नहीं पड़ती, पूछते भी नहीं है कि ये ऑर्बिटल क्या है। इस टाइप से मतलब ये और याद भी रखने की जरूरत है क्योंकि अपन पूछेंगे भी नहीं, मैं तो कहता हूं पढ़ो भी मत, लिखो भी मत उसको, f ऑर्बिटल होते कैसे, इवन वो इतने सारे मतलब अब f ऑर्बिटल बनाएंगे अगर अपन तो ऐसे बनेंगे, देखो तो ये तो मतलब फ्लावर टाइप हो गया, जैसे फ्लावर शेप होता है, इतनी सारी पत्तियां तो उसी में होती, तो ऐसे बता सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे इसमें एक और बार, अब इनमें अपन को एक पार्ट और डिस्कस कर लेना है, मतलब ऐसे ना कि अगर अपन से कोई पूछेगा नोड्स के बारे में पूछते हैं उससे, तो अपन से पूछेंगे भाई नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नोडल बीम, है ना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन, प्लेन और एंगुलर नोड्स, तो उसको दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। अगर किसी भी सबशेल में अपन को एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन देखने हैं तो वैल्यू ऑफ एन के बराबर होगा। जैसे अपन लिखेंगे अभी अपन ने लिखा था ना एस ऑर्बिटल में कोई नोडल कोई प्लेन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 3D स्ट्रक्चर है, इसमें कोई अपन टू डायमेंशनल प्लेन नहीं बना सकते, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। पी में बना सकते, पी में अपन कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन इसके अलॉन्ग है तो जो ऐसे जेड एक्सिस होगा तो इस प्लेन में जो ये प्लेन होगा ना परपेंडिकुलर टू दिस, उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो P के लिए तो ये वाला जो प्लेन होगा ना Y और Z प्लेन, दैट विल बी अ नोडल प्लेन, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं।
वाई और जेड इसको डिनोटेड प्लेन, तो इसमें एक नोडल प्लेन आ जाएगा. सो आई कैन राइट दैट इसमें वाई जेड इज अ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन. तो इसमें एक नोडल प्लेन होगा. इसमें तो अपन कहेंगे एक्स जेड विल बी द नोडल प्लेन, ये वाला ना, दिस विल बी द नोडल प्लेन. नोड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये वाला नोडल प्लेन हो जाएगा. तो इसमें जेड एक्स प्लेन इज अ नोडल प्लेन, प्लेन इज नोडल प्लेन. नोडल पोजीशन वो होती है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. और अगर पी जेड होगा तो इसमें देयर विल बी अ ये वाला एक्सेस होगा ना, तो एक्स वाई इज अ नोडल प्लेन. एक ही प्लेन इसमें ऐसे होगा जिनमें नोडल प्लेन्स होंगे, इसमें तो हो ही नहीं सकता. तो एस के लिए एल का वैल्यू जीरो है तो नोडल प्लेन हो ही नहीं सकता. पी के लिए एल का वैल्यू वन होता है तो उसमें एक नोडल प्लेन है. डी के लिए अपन कहेंगे एल का वैल्यू टू होता है, दिखाओ नोडल प्लेन का. तो अपन कहेंगे नोडल प्लेन दिखा देते, एक प्लेन ही हो जाएगा और एक प्लेन ही हो जाएगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. सो इट हैज टू नोडल प्लेन्स, इट हैज टू नोडल प्लेन. तो बता दो कौन सा प्लेन है. तो अपन कहेंगे एक तो होगा एक्स जेड एंड वाई जेड, दीज आर नोडल प्लेन्स एक्स जेड एंड वाई जेड, क्योंकि एक्स जेड तो ऐसे हो जाएगा और वाई जेड ऐसे हो जाएगा. तो अपन ऐसे बोल देंगे ना, देख जैसे अपन ने बनाए थे ना इसमें, ऐसे करके बताया था मैंने. तो अपन कहेंगे देख बैलून तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, मतलब जिस प्लेन में ये चारों बॉन्ड ये एक्सेस प्रेजेंट है उसी प्लेन में नोडल प्लेन बताया मैंने. तो फिर ऐसे अगर मैं बनाऊंगा तो, क्योंकि जेड एक्सेस तो बाहर की तरफ होगा ऐसे, तो इस टाइप का जो एक प्लेन होगा वहां तो नहीं होगा ना कोई भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो इधर प्रेजेंट है लोब्स, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. और अपन कहेंगे इस प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोब्स तो इधर है, इधर है, इधर है और इधर है, इस प्लेन में थोड़ी इलेक्ट्रॉन लोब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो अपन बता सकते बिल्कुल ऐसे ही इसमें अपन लिखेंगे नोडल प्लेन. अगर इसके लिए नोडल प्लेन लिखेंगे तो ये जेड एक्स हो गया एंड एक्स वाई हो गया. भाई बिटवीन जेड एंड वाई है तो जेड एक्स, एक्स मतलब इधर होगा, एक्स ऐसे होगा, तो इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला तो जेड एक्स, और इस प्लेन में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला तो एक्स वाई. दैट्स ऑल. इसके नोडल प्लेन लिखूंगा तो विल राइट दैट इसमें नोडल प्लेन क्या होगा बताओ भाई. इसमें नोडल प्लेन, उसके नोडल प्लेन क्या होंगे. और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट से, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जितना मैंने बताया उसी से क्वेश्चन आएगा. एक्स्ट्रा ही बता दिया मैंने तो, बट कोशिश करूंगा कि वो ना बताऊं तो ठीक रहेगा. मतलब इसलिए कि ज्यादा बताऊंगा ज्यादा पढ़ोगे कि सर अच्छा ये भी होगा, ये भी होगा, सर ने बताया मतलब होगा. हाँ जी, तो इसके नोडल प्लेन एक तो जेड वाई हो जाएगा, दूसरा एक्स वाई हो जाएगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बताया. और अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो, अब इसमें बताओ तो अपन कहेंगे देखो सर इसमें एक्सिस पे ही बने हुए है ना, तो अपन कोई एक्सिस तो बता ना पाएंगे, तो अपन को लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें नोडल प्लेन नहीं. ये नहीं बोल सकते अपन कि किसी में नोडल प्लेन नहीं होंगे. क्यों, क्योंकि आपने लिखा हुआ नंबर ऑफ नोडल प्लेन और एंगुलर नोड इज इक्वल टू उसके वैल्यू ऑफ एल के बराबर. किसी भी सबशेल में अगर अपन को नोडल प्लेन बताने हैं तो उसके वैल्यू ऑफ एल के बराबर तो बताने ही पड़ेंगे आपको. मतलब इधर भी टू, इधर भी टू, इधर भी टू, इधर भी टू, मतलब ये टू को तो आपको फॉलो करना ही होगा. ठीक है, उससे नहीं बच सकते. तो अपन बताएंगे इसमें दो हो जाएंगे नोडल प्लेन. हम तो अब कोई देखो कोई अपन से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा कि इसमें बताओ नोडल प्लेन कहाँ है. ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा इन डी वाई जेड विच ऑफ द प्लेन आर नोडल प्लेन, एक ऑप्शन में ये लिखा
अपन को कोई पूछने वाला नहीं होगा कि इनके स्ट्रक्चर बनाओ, इनके बारे में बताओ, अपन तो थोड़ा सा सीख रहे हैं ताकि अपन को याद रहे लॉन्ग ड्यूरेशन तक, वरना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपन कहेंगे कि ठीक है इसमें क्या करें, तो अपन कहेंगे इसमें ना नोडल ट्रेन देख ये बनाए, एक ये हो गया एक नोडल ट्रेन बता देंगे 45 डिग्री टू द वाई जेड प्लेन, भाई एक्स वाई प्लेन में जो है एक्स वाई प्लेन के 45 डिग्री में नोडल ट्रेन है, कैलकुलेट कर लो। So, nodal planes जो इसमें लिखेंगे ना अपन what are the position of the nodal plane, तो अपन कहेंगे 45 degree to the, या आप सीधा लिख दो nodal plane between x and y axis, you know that is present between x and y axis। अब अपन ऑप्शन में ढूंढ लेंगे कि अपन को याद है, अच्छा ऐसे बताया था सर ने, तो अगर कोई डिग्री विग्री कहेगा तो बोल देंगे 45 डिग्री टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो मैं तो बता ही था हमने कि मतलब 45 डिग्री का होता है, राइट। तो अपन कहेंगे ये, अब इसमें भी तो दिख रहा था अपन को, देखो इसको ही तो रोटेट किया था अपन ने 45 डिग्री, इसको रोटेट करो 45 डिग्री यू विल गेट दैट। तो अब पहले इधर थे नोडल प्लेन, अब 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो बिटवीन द एक्सिस आ गया नोडल प्लेन और क्या। अब अपन कहेंगे इसमें बताओ नोडल प्लेन कहाँ है, इसके नोडल प्लेन तो नहीं है, लेकिन दो नोड्स तो बताने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं लिखा कि कोई एक्सेप्शन होता है, आपने सीधा लिखा हुआ वैल्यू ऑफ है। सो आप डी में किसी भी ऑर्बिटल में पूछोगे मैं तो टू लिख दूंगा, चलो देखते हैं कैसे। अब इसमें क्या होगा ना, इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर के नोड्स बनाते हैं। अब देख क्या होगा, जैसे अपन ने ऐसे बनाया तो अपन ने कहा था कि एक ऐसे सर्कुलर रिंग होती है, ऐसे सर्कुलर रिंग। अब उस सर्कुलर रिंग में क्या होगा, जैसे अपन एक बार बना के देख लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे बलून्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर एक सर्कुलर रिंग है और ये जेड एक्सिस है ऐसे, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर में एक सर्कुलर रिंग ऐसे दो से ऐसे सर्कुलर रिंग बनी हुई है। तो अपन कहेंगे इसमें नोडल प्लेन का मतलब हो गया कि, या नोड का मतलब हो गया जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो अपन कहेंगे मुझे तो एक ही जगह दिख रही है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कौन सी, इधर वाला रीजन, इधर वाला रीजन, इधर वाला रीजन और इधर वाला रीजन, क्योंकि ये जो रिंग होगी ये इससे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे एक पाइप जैसे रहा होगा यहां पर, ऐसे एक पाइप जैसे। तो फिर वो रीजन जो मतलब पाइप है ऐसे, और ये जो रीजन इधर वाला होगा उसको क्या, मतलब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, कि ये वाला रीजन कौन सा रीजन है, मतलब इधर वाला जो रीजन होगा वो तो खाली पड़ा होगा, भाई इधर एक्सिस है, इधर रिंग है, तो रिंग को आप अपन कहेंगे भाई रिंग को ठीक है एक रीजन दे दो आप रिंग को ऐसे, लेकिन बाकी पार्ट तो खाली पड़ा होगा ना ऐसे, बाकी पार्ट तो ये खाली पड़ा हुआ है, तो ये क्या बना रहे हो आप सर ऐसे। तो अपन ने देखा, अपन ने क्या कहा कि भाई रिंग के लिए एक ऐसे आपने ऐसे अज्यूम कर लिया, कैसे, अब जेड एक्सिस ऐसे अज्यूम कर लिया आपने, एक पाइप लगा देते हैं ऐसे, है ना, एक पाइप लगा देता है ऐसे, तो पाइप के अब क्या होगा कि वो पाइप के ऊपर वाला पार्ट, ये वाला रीजन तो खाली होगा ना, पाइप तो इधर इसी प्लेन में है पाइप, तो उस पाइप में इधर जो रीजन होगा वो और पाइप के नीचे वाला रीजन इधर, भाई पाइप वाला रीजन नहीं ले सकते ना, वो थोड़ी नोड होगा, पाइप वाला रीजन को तो छोड़ना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है आप कह रहे हो मतलब कि एक बार ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाले रीजन की बात कर रहे हो आप, और एक बार ये वाला रीजन, ये वाला रीजन की बात कर रहा। तो अपन कहेंगे ठीक है यहां पर एक ऐसे रीजन आ गया इधर ऐसे पाइप के ऊपर रहे अपन, क्योंकि ये वाला जो पार्ट अपन ने छोड़ दिया, ये पार्ट अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि सर इस रीजन से ना इतना थिकनेस का पाइप आपने ऐसे अज्यूम किया होगा, आपने इतने थिकनेस वाला एक पाइप अज्यूम किया होगा, ये जो रीजन आपने छोड़ दिया क्योंकि वो सर्कुलर पाइप बनेगा ना एक उसके, तो जैसे उस तरफ बनाया वैसे इस तरफ भी बनाओ, सर बनाएंगे ठीक है तो इस तरफ भी बना देते, तो इधर भी मैं एक बना देता हूं ऐसे, बना एक पाइप और इधर भी एक बना देता हूं ऐसे, इधर भी बना एक बना, ये पाइप जैसे बन गया अपने पास। तो अब अपन क्या करें इसका, तो अपन कहेंगे देखो इस वाले जो पाइप ये बने हुए ना ऐसे, इधर भी ऐसे बनते, तो
तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये जो पाइप जैसे बनाया आपने, ठीक है ना, तो ये जो पाइप जैसे पार्ट, क्योंकि ये थिकनेस वाला पार्ट अपन ने क्या अज्यूम किया कि ये पाइप मतलब वो इस ये रीजन जो अपन ने दिया ना, इस रीजन में पाइप ऐसे सर्कुलर पाइप है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर रीजन छोड़ दिया ना, ऐसे अपने पास जेड एक्सिस था, ऊपर था, नीचे था, तो अब पाइप बनाने के लिए आपको एक रीजन छोड़ना था, तो इन दोनों के बीच में देखो जो ये गैप छोड़ा ना मैंने छोड़ा सा, इसी गैप को मान लेते हैं अपन कि ये जो गैप है ये पाइप वाला गैप है ऐसे। तो अब पाइप वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी इधर वाला पार्ट खाली पड़ा होगा, इधर वाला पार्ट खाली पड़ा होगा, इधर वाला पार्ट खाली पड़ा होगा, आप उसको नोडल पार्ट ले लो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर अपन इसको ज्वाइन करें ऐसे, भाई इसको तो अपन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो अपन कहेंगे देखो इधर जैसे आपने बनाया ना, तो ये आधा कोण दिख रहा है अपन को, जैसे कोण बनाते ना अपन ऐसे, ऐसे कोण होता है, तो आप क्या कर रहे हो कि एक आधा कोण इधर बना रहे हो और आधा कोण इधर बना रहे हो, एक आधा कोण इधर बना रहे हो ये वाला, और एक आधा कोण आप इधर बना रहे हो। तो आप इसमें ना ये बोल दो कि देर आर टू नोडल कोण्स, इसमें नोडल प्लेन नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस भी यूज किया, वाई एक्सिस भी यूज किया और जेड भी यूज किया वो पाइप बनाने के लिए, इनमें आपने कम से कम कुछ तो एक्सिस छोड़ दिए थे ना, कुछ तो प्लेन छोड़ दिए थे जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें आपने सारे एक्सिस यूज किए तीनों, एक्स वाई प्लेन में होता है वो पाइप और ये जेड एक्सिस है, तो फिर अपन कहेंगे आधा कोण इधर बन रहा है, 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 वो कोण शेप में बन रहा है, खाली जगह, खाली जगह जो है वो कोण शेप में बन रहा है, इसलिए अपन बोल देते हैं कि इसमें दो नोडल कोन्स बनेंगे, तो अपन उसको नोडल कोन्स बोल देते हैं। तो अपन कहेंगे डी ऑर्बिटल में डी जेड स्क्वायर का शेप भी डिफरेंट है और उसमें नोडल कोन्स बनते हैं रादर देन द नोडल सरफेस, दैट इज अबाउट द डी ऑर्बिटल, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी डी से आते हैं, क्योंकि उसमें वो थोड़ा डिफरेंट है ना, इसलिए वो क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा वहीं से फ्रेम करते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट को वो उसमें अगर, क्योंकि आप नोडल प्लेन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको नोडल कोन्स बताने होंगे कि उसमें मैं नोडल कोन्स बताऊंगा। ऐसे ही अपन को कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ नोड्स इन एन एटम, मतलब किसी भी एटम में कितने नोड्स हो सकते हैं, तो अपन कहेंगे भाई देखो कोई भी एटम अगर ड्रॉ करूंगा तो एक न्यूक्लियस होगा उसमें। अब न्यूक्लियस के अराउंड अपन कभी, हम कभी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल में कितना डिस्टेंस होगा, हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि द प्रोबेबल साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है और इसका प्रोबेबल डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि अब तो ये भी पढ़ चुके ना उसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन में कि इलेक्ट्रॉन ना ऐसे वेव के फॉर्म में जाता है, तो इसका मतलब है रेडियस फिक्स नहीं होता, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, रेडियस फिक्स नहीं होता, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई इसमें ना नोडल, अगर मुझे इन दोनों के बीच में तो नोड बताना मुश्किल है क्योंकि वो रेडियस ही ऐसे हो रहा है, हाँ लेकिन अपन ये बता सकते हैं कि अगर मान लो कोई एटम है फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ऐसे अपन बता सकते हैं, तो ये तो मैं पक्का बता सकता हूं कि इन दोनों के बीच में एक नोडल सरफेस होगा, इन दोनों के बीच में एक नोडल सरफेस होगा, इन दोनों के बीच में एक नोडल सरफेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैनॉट प्रेजेंट बिटवीन द टू शेल्स, और जो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता बिटवीन द टू शेल्स वी आर कॉलिंग दैट एज अ नोड, इट्स अ नोडल सरफेस। ये फर्स्ट वाला शेल स्फेरिकल है, उसके ऊपर सेकेंड शेल स्फेरिकल है, उसके ऊपर थर्ड शेल स्फेरिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बीच में, सेकंड और थर्ड शेल के बीच में, और थर्ड और फोर्थ शेल के बीच में तो जितने शेल्स होंगे, अगर चार शेल हैं तो मैं कितने नोड्स बताऊंगा, नोडल सरफेस बताऊंगा, दैट विल बी थ्री, क्योंकि न्यूक्लियस और इसके बीच में नोड बताना, नोडल सरफेस बताना मुश्किल है, वो नहीं बता सकते। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, फिर तो मतलब जितने शेल बनाओगे आप, पांच शेल बना लो, एक और बना दूंगा, तो ये एरोस बिटवीन द टू शेल्स अपन को बता रहे हैं, तो भाई उसमें अपन कहेंगे जितने शेल उसको माइनस वन करो विल गेट द
nodal surface in the atom. So number of nodes in the atom we are able to tell like this. Ab ek point hota hai, that is number of radial nodes. Radial nodes or spherical nodes. Spherical nodes between the orbitals. The orbitals. तो अपन कहेंगे भाई ये होता है n minus l minus 1. तो अगर मुझे नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड कैलकुलेट करने हैं तो वो दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन. और वो कैलकुलेट करने होते हैं अपन को सबशेल्स में कि भाई ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. तो इसमें अपन को क्या करना होता है कि हर एक ऑर्बिटल ऑफ सबशेल में नोड्स कैलकुलेट करने होते हैं अपन को. तो जैसे अगर अपन कहेंगे कि भाई हमारे पास गिवन है, जैसे इसके लिए अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल. तो अगर मुझे गिवन है फॉर एग्जाम्पल यहां लिख लेता हूं एग्जाम्पल मेरे लिए गिवन है सपोज 1s. तो n का वैल्यू तो 1 हो गया क्योंकि ये नंबर फॉर द शेल होता है. और l का वैल्यू s के लिए क्या हो जाता है l इक्वल टू 0. तो n का वैल्यू 1 हो गया, l का वैल्यू 0 हो गया. देयरफॉर n माइनस l माइनस 1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा. तो लिखेंगे भाई दैट विल बी इक्वल टू 0. देयर इज नो नोड्स इन दिस spherical or radial. दूसरा एग्जाम्पल मान लो अपने पास गिवन है 3p. 3p में कितना होगा, ये एग्जाम्पल ए है अपने पास, ये एग्जाम्पल बी है. 3p में अपन कहेंगे n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 होता है. तो नंबर ऑफ रेडियल और स्पेरिकल नोड्स. सो रेडियल एंड स्पेरिकल नोड्स दैट विल बी इक्वल टू n का वैल्यू 3 है. सो 3 माइनस n माइनस l माइनस 1 होता है. राइट द 3 माइनस एल हो गया 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1. सो 3p में एक ही नोड होगा. लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मुझे रेडियल और स्पेरिकल नोड कैलकुलेट करना है. तो आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता सकते हो. इसमें कैलकुलेशन ये नोड्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा ग्राफ वगैरह पढ़ाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा मैं कि वो रेडियल नोड स्पेरिकल नोड्स होते हैं क्या, है ना. तो अपन स्पेरिकल और रेडियल नोड बता सकते हैं. दीज आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. अब इसके बाद अपन लिख सकते हैं दैट इज जब हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिट मतलब एंगुलर नोड्स का पता चल गया अपन को, तो अपन ये बता सकते हैं कि भाई ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल. सो अपन बोल सकते हैं यहां पर थोड़ा ध्यान याद रखना पड़ेगा इसको अपन को, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट या ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं. ऑर्बिट मतलब शेल होता है. तो अपन कहेंगे सर ये तो अपन को पता है पहले से, क्यों बता रहे हैं क्या, ये तो आपने पहले बता रखा है ना. व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल. mvr इज इक्वल टू nh / 2 पाई बता रखा है तो आपने. अभी अपन लिखेंगे दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल. अगर ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करूंगा एंगुलर मोमेंटम तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको अपन लिखते हैं अंडर रूट ऑफ एल इन टू एल प्लस वन एच बाई टू पाई लिखना होता है. तो एग्जाम्पल लेंगे दैट इज इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल then angular momentum will be equal to आपको सिर्फ डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता देना है. डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है वो अपन को पता है, 2 होता है. कैलकुलेट कर दो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1 एच बाई 2 पाई. तो अपन इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रूट 6 ऑफ h by 2 pi. ये बता देंगे अपन कैलकुलेट करके. तो अपन कहेंगे सर इसमें ये बताओ ये 3d है कि 4d है, सभी के लिए कैसा होगा अगर d ऑर्बिटल है तो. d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो ये एंगुलर मोमेंटम होगा. s में होता तो अपन कहते हैं l का वैल्यू 0 हो जाता, तो फिर ये 0 हो जाता, उसमें होता ही नहीं क्योंकि s तो स्फेरिकल होता है. p होता तो अपन कहते हैं p के लिए l का वैल्यू 1 होता, तो अपन √3 * h / 2 पाई.
और कभी कभी अपन h बाई टू पाई को ऐसे भी लिखते हैं h ऐसे क्रॉस करके ना इसको अपन कहते हैं डायरेक्ट एच, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट एच। सो एच बाई टू पाई को मतलब यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि भाई रूट सिक्स लिखा और ऐसे लिख दिया, तो अपन कहेंगे अब ये क्या है, तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा एच बाई टू पाई को मैं डायरेक्ट एच लिख सकता हूँ। तो वो मतलब नोटेशन है, डिफरेंट साइंटिस्ट के अपने अपने नाम के नोटेशन है जो उन्होंने लिखे तो बता देंगे। अच्छा सर, सर अगर एस ऑर्बिटल में रेडियल या एंगुलर कोई नोड का वैल्यू जीरो है, सो इसका मतलब ये हुआ कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। बिल्कुल, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है ना। तो ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, नो एंगुलर क्वांटम नंबर हुआ। अब अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब जितना मैंने आपको पढ़ाया बस आज इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम अपन वापस इसको और डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है क्योंकि अब एक मिनट साइड हो सकता है ना।